स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से भी नमस्कार दीदी। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और दीदी जानकारी प्राप्त करती रहें। जी हाँ, डे एनआरएलएम में जो भी जानकारी आएगी उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी आपको सबसे पहले अवगत करा दिया जाएगा और सारी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी और आप लोग लाभ भी उठा सकती हैं। इसलिए आपको हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दीदी, ज्यादा ना बात करते हुए टॉपिक से कुछ हटके। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानती हैं मनरेगा का काम स्टार्ट होने वाला है। मनरेगा मेट भर्ती आवेदन कैसे कर सकते हैं पूरे वीडियो में जानें। मनरेगा मेट भर्ती आवेदन फॉर्म, जी हाँ, 2021 में नरेगा रोजगार योजना चल रहा है, इस पे आप लोग जल्द ही आवेदन करें। मनरेगा मेट भर्ती आवेदन, मनरेगा मेट भर्ती 2021 पदों की जानकारी, मनरेगा मेट भर्ती योजना पंजीकरण, मनरेगा मेट भर्ती आवेदन फॉर्म, महत्वपूर्ण जानकारी, अच्छी खबर, मनरेगा में जल्द ही 46,000 कर्मियों की। जी हाँ दीदी, इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, अंत तक जरूर देखें। अच्छी खबर आप सभी के लिए है, मनरेगा में जल्द ही 46,000 कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसमें 21,000 रोजगार सेवक रखे जाएंगे और 25,000 महिला मेट की भर्ती होगी। जी हाँ, स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मनरेगा में मेट बनने वाली महिलाओं को 3 साल तक मनरेगा में मेट बनने वाली महिलाओं को 3 साल तक मेट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। ग्राम विकास विभाग ने मनरेगा में मेट बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के कामों के प्रवेक्षण के लिए मेट पदों की संख्या बढ़ सकती है। ताजा जानकारी के अनुसार, जी हाँ, जो जस्ट अभी जानकारी नहीं मिली है, प्रदेश में 1,05,000 मेट नियुक्ति किए जाएंगे। फिलहाल प्रदेश में 55,00,000 श्रमिक काम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा दीदी जानकारी के लिए, अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनरेगा में 26,000 महिलाएं मेट बनाई जाएंगी। इन मेटों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता मिलेगी, इस बात का सभी लोग ध्यान दें। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता मिलेगी। समूहों की 14,000 महिलाओं को मेट बनाने के लिए पहली सूची मनरेगा को दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत 61,000 से अधिक मेट की भर्ती की जाएगी। यूपी ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने ये जानकारी दी है। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। नरेगा रोजगार योजना के मनरेगा जॉब कार्ड लिस्ट डाउनलोड कर सकती हैं दीदी और आप लोग देख सकती हैं किस दीदियों का हुआ है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या नरेगा, जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में नाम दे दिया गया, एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। यह अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जा सके, जिसके आवश्यक सदस्य स्वयं सेवक सकुशल कार्य कर सके। लॉकडाउन के बाद प्रवासियों को रोजगार देने के लिए मनरेगा में 1,000 से अधिक मेट नियुक्ति किए जाएंगे। सरकार मनरेगा में प्रवासी श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार देने पर जोर दे रही है। मनरेगा मेट भर्ती 2021 पदों की जानकारी। जी हाँ, पद का नाम क्या है? मनरेगा मेट। कुल पद कितने? 61,120। 25,000 पद महिला मेट के लिए होंगे। जी हाँ, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं,
वेतन कितना मिलेगा मेट को? 320 रुपये प्रतिदिन। जी हाँ, मेट को 320 रुपये प्रतिदिन की दर से परिश्रमिक दिया जाएगा। महिला मेट 7200 मानदेय। जी हाँ, महिला मेट को 7200 मानदेय, रोजगार सेवक को 6000 मानदेय। ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश में अब तक 16 लाख से अधिक प्रवासी दूसरे प्रदेशों से आए हैं। मनरेगा में अभी 30,56,000 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं और इनमें से करीब 5.5 लाख प्रवासी श्रमिक हैं। बड़ी परियोजनाओं पर काम करने जी हाँ कराने के साथ ज्यादा से ज्यादा राजस्व गांव और मजौरों जी हाँ मजदूरों में कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मनरेगा जी हाँ, मनरेगा सीधी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। जी हाँ, मनरेगा के कार्यों के प्रवेक्षण के लिए हर श्रमिक पर एक मेट की नियुक्ति की जाएगी। इन्हें 320 रुपये प्रतिदिन की दर से परिश्रमिक दिया जाएगा। इन पदों में 50% से ज्यादा पद महिलाओं के लिए होंगे, क्योंकि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार 50% मेट महिला स्वयं सहायता समूह से लेने का प्रावधान है। नियुक्त होने वाले 61,000 मेट में 30,500 से ज्यादा पद महिलाओं के होंगे। मनरेगा मेट भर्ती योजना पंजीकरण नरेगा मेट भर्ती योजना के तहत योगी प्रवासी रोजगार योजना का पूरा विवरण यहाँ दिया गया है। जी हाँ, अभी इस भर्ती योजना के पूरी दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। जैसे ही आधिकारिक अधिसूचना प्राप्त होगी, हम 61,000 मनरेगा मेट भर्ती प्रवासी योजना आवेदन पत्र और ऑनलाइन प्रक्रिया को कैसे लागू करें इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आप अगर दीदी स्वयं सहायता समूह की महिला हैं तो ध्यान दें अपने समूह पर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि आप लोग पंचसूत्र का पालन पहले करें, क्योंकि जो भी रोजगार दिए जाएंगे आपके रजिस्टरों को चेक किया जाएगा कि आप लोग रजिस्टर मेंटेन कर रही हैं या नहीं। जी हाँ, साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, समय से ऋण वापसी, लेखा जोखा, इन पंच सूत्रों को करना होगा आपको पालन। उसके साथ साथ रजिस्टर को भी सही से लेखा जोखा करना होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हमने वीडियो डाल रखे हैं दीदी कि किस प्रकार कार्यवाही लिखनी है, रोकड़ बही, बचत पुस्तिका। जी हाँ, जो 5 पुस्तक होते हैं मैं 5ों पुस्तकों के वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमें मैसेज कर सकती हैं। जी हाँ, हमारा मोबाइल नंबर लिख सकती हैं 6387-87-76-62। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल अगर मैं ना रिसीव करूँ तो आप लोग कोशिश क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करिए, मैं उसको पढ़ के आपको रिप्लाई जरूर दे दूंगी। तो चलिए दीदी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो दीदी प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी DNRM के थ्रू जो भी आ रही हो उसको प्राप्त करते रहिए। तो चलिए दीदी, आज की वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।